तो आज हम ब्लड शुगर या ग्लूकोज जो है हम प्रैक्टिकल प्रोसीजर आपको करके दिखाने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास ये रिएजेंट है, तो ये सबसे पहले स्टैंडर्ड का है, उसके बाद ये हमारे पास ग्लूकोज डाइल्यूएंट है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ग्लूकोज डाइल्यूएंट इसमें 200 ml है। तो हम जो है GOD PUD मेथड से हम टेस्ट आपको परफॉर्म करके बताएंगे, सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से। और ये हमारे पास ग्लूकोज का रिएजेंट है, ठीक है, जो कि पाउडर फॉर्म में है। और इसी ग्लूकोज के रिएजेंट को जो पाउडर फॉर्म में है 200 ml में डाइल्यूएंट जो हमारे पास दिया है उसमें ऐड करके इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें तैयार कर लेना है, तो वो हमारा वर्किंग रिएजेंट बन जाएगा इस बोतल में। तो आप देख सकते हैं इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद जो ग्लूकोज का रिएजेंट रखा है इसमें 200 ml डाइल्यूएंट रखा हुआ है, तो इसमें से मैं ओपन करके ये पाउडर फॉर्म में जो ग्लूकोज का रिएजेंट है उसको मैं उसमें ऐड कर दूँगा पूरा, और ये हमारा वर्किंग रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का इस तरीके से सिंपल है बिल्कुल, और ये पूरा आप इसमें ऐड कर दीजिए और उसके बाद ये आपका वर्किंग रिएजेंट बन जाता है। इसको मिक्स करके और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। वो सारा आपका गाइडलाइन जो है दिया हुआ है, कैसे स्टोर करना है, कैसे कितने टेम्परेचर पर, वो सब दिया हुआ है। तो उसके बाद ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ये आप देख सकते हैं बाजू में आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग लेबल्ड कर लेना है तीनों टेस्ट ट्यूब। और प्रोसीजर इसको फॉलो करना है, ऐसे प्रोसीजर जो हमारा दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड की बॉटल है हमारे पास, और ये वर्किंग रिएजेंट जो हमने बना के रखा था वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ साथ हमें आवश्यकता पड़ेगा डिस्टिल वाटर का, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और सैंपल भी आप देख सकते हैं वहाँ पर रखा हुआ है सैंपल, जो कि फ्लोराइड वायल में है, हमने सैंपल लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 2 पीपेट हैं, जो कि 500 μL और 5 μL के लिए दो अलग अलग हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो एडजस्टेबल हमारे पास माइक्रो पीपेट रखे हैं। तो ये हमारे पास जो ऐसे प्रोसीजर है इसी को फॉलो करते हुए हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, और मैं क्रॉस चेक करके भी दिखाऊँगा। अभी ये सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पर हम ये टेस्ट लगाने वाले हैं, और उसके बाद रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने माइक्रो पिपेट से 500 μL हमारा सेट है इसमें, और 500 μL वर्किंग रिएजेंट हमें तीनों टेस्ट ट्यूब में डालना है, जो ऐसे प्रोसीजर है उसी को फॉलो करते हुए। ये मैंने ब्लैंक वाले में डाल दिया 500 μL, उसके बाद फिर से अगेन आपको 500 μL स्टैंडर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, उसके बाद फिर अगेन 500 μL आपको टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारे तीनों टेस्ट ट्यूब में 500 μL वर्किंग रिएजेंट हमने ऐड कर दिया है, सिंपल। अब बारी आता है 5 μL की, तो 5 μL आपको डिस्टिल वाटर ब्लैंक वाले में ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना है, ठीक है। ये हमने ब्लैंक वाले ट्यूब में हमने 5 μL डिस्टिल वाटर जो है ऐड कर दिया है। उसके बाद अगला टेस्ट ट्यूब का नंबर आता है स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड भी हमें 5 μL ही ऐड करना है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड की बोतल है, इसमें से मैं स्टैंडर्ड 5 μL लूँगा और स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में रख दूँगा, ऐड कर दूँगा, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड वाला। अब बारी आता है अगला टेस्ट वाले का, तो टेस्ट वाला ट्यूब है, तो टेस्ट वाले में अपने को मालूम है ये फ्लोराइड वायल में हमने सैंपल लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका प्लाज्मा सेपरेट है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको ओपन कीजिए और आपको 5 μL प्लाज्मा सीरम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ्लोराइड वायल है तो फ्लोराइड वायल से ही शुगर का टेस्ट लगता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें से मैंने 5 μL लिया, इसमें ऐड किया और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 15 मिनट तक इंक्यूबेशन पे रखना है। तो 15 मिनट तक आपको इंक्यूबेट करने के बाद देखिए ये आपको कलर डेवलप दिख रहे हैं स्टैंडर्ड और टेस्ट वाले ट्यूब में, ठीक है, कलर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैंने को टेस्ट लगाना है, तो ये मैं सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे एक नंबर दबाऊंगा रन टेस्ट पर, और ये ग्लूकोज सेट है बिल्कुल ऊपर, इसको एंटर करूंगा। और इस तरीके से जो पैरामीटर हमारा सेट था पहले हमने किया है, अगर वीडियो नहीं देखा है कैसे पैरामीटर सेट करना है तो आप देख सकते हैं। डिस्टिल वाटर मांग रहा है वाटर एस्पिरेट करने के लिए, तो ये देखिए मैंने वाटर एस्पिरेट कर दिया है डिस्टिल वाटर, ठीक है, बहुत सिंपल है। और जब तक बीप आता है, बीप ख़त्म होने के 5 सेकंड बाद आप उसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए हमने वाटर स्प्रेड करा दिया, अब ब्लैंक रिएजेंट मांग रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो ब्लैंक वाला ट्यूब है वो आप इसमें रन करा दीजिए, ठीक है। ये सारे एब्जॉर्बेंस वो रीड करके और आपका
कैलकुलेशन कर देगा, एब्जॉर्बेंस फैक्टर ये सारी चीज़ें जनरेट करेगा अभी मशीन आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ब्लैंक रिएजेंट पिला दिया है, और ब्लैंक रिएजेंट पिलाने के बाद ये आपको एब्जॉर्बेंस देगा। आप ये देख सकते हैं एब्जॉर्बेंस दे दिया उसका, ठीक है। अब आपका स्टैंडर्ड मांग रहा है, ठीक है, एस्पिरेट स्टैंडर्ड। तो आपके पास एस वाला जो मार्क था, ये ट्यूब स्टैंडर्ड वाला, ये आपको इसमें एस्पिरेट करा देना है। इस तरीके से आप एस्पिरेट करा दीजिए, एक बीप की आवाज़ आएगी, उसके बाद आपको इसको हटाना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड हमने पिला दिया है, और स्टैंडर्ड एस्पिरेट कराने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस और फैक्टर भी आपको जनरेट करके दे दिया है अब मशीन, ठीक है। ये देखिए आप, फैक्टर भी आपको जनरेट करके दे दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। अब ये आपको मांग रहा है सैंपल, तो आपको सैंपल जो टेस्ट वाला ट्यूब है वो अब आपको इसमें एस्पिरेट कराना है, ठीक। आप ये देख सकते हैं हमने एस्पिरेट करा दिया, टेस्ट वाला जो ट्यूब हमारे पास था ये हमने एस्पिरेट करा दिया है। अब ये जब हम एस्पिरेट कराएंगे उसके बाद ये आपको रीडिंग कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं कि रीडिंग आपका कितना आता है। देखिए 74.63 ये आपका RBS या शुगर का लेवल जो है दे दिया है। अब जैसे मैं इसको क्रॉस चेक किया है फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे, तो 75.03 दे रहा है। तो ये मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर था, इस पर मैंने रन करके देखा तो आपका टेस्ट बिल्कुल उतना ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क पड़ता है आप जिसमें भी लगाएंगे। तो वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको मिलेगा, ट्विटर का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर बुक्स आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।